हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस आप लोग कैसे हो? आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस मैंने सोचा आज का ब्लॉग शूट कर देती हूँ क्योंकि मेरी वीडियो तो पर डे आ नहीं पाते, टाइम नहीं मिल पाते हैं। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं अपनी डेली रूटीन, बिजी रूटीन को ही आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो आज से मैं कोशिश करूँगी कि मैं पर डे ब्लॉग्स बनाऊँ और आप लोगों के साथ अपनी छोटी छोटी चीज़ें शेयर करूँ। तो मैं अभी ऑफिस आ चुकी हूँ। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं जॉब करती हूँ, तो मैं अभी मेरी ड्यूटी की टाइमिंग होती है सुबह 9 बजे, तो अभी 8:52 हो रहे हैं, तो मैं इन कर चुकी हूँ ड्यूटी में। तो ड्यूटी आवर्स में नो ब्लॉगिंग, नो वीडियोस, सो वर्क इज़ वर्क। तो मैं आप लोगों से ड्यूटी आवर के बाद मिलती हूँ, मतलब 6 बजे के बाद ब्लॉगिंग कंटिन्यू रहेगी। तो मैं मिलती हूँ आप लोग से 6 बजे के बाद। तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। शाम में मिलती हूँ, अभी के लिए बाय बाय। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरी छुट्टी हो चुकी है और अभी मैं जा रही हूँ, तो मैं आप लोग से बाहर में मिलती हूँ, अभी के लिए बाय हूँ। ये है मेरे ऑफिस का रास्ता, तो अभी मैं जा रही हूँ ऑटो के लिए रोड पे। रोड पे जा रही हूँ, देखती हूँ कितनी देर से ऑटो मिलते हैं। तो देख रहे हैं कि ऑटो आ रही है, बट उसमें जगह नहीं थे तो मैं दूसरे वाली ऑटो में बैठूँगी। तो बस ऑटो का वेट करती हूँ, मैं ऑटो में बैठ के आप लोग से मिलती हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक खाली ऑटो आ रही है और मैंने उसे रुकवा लिया है और वो मेरे लिए रुक जा रही है। तो फाइनली मुझे ऑटो मिल गया, मैं बचा के पहुँच गया। तो देखिए ये शाम का खूबसूरत नज़ारा, ये लाइट वाइट बहुत ही खूबसूरत दिखती है। और यहाँ पे है जिम, ये है लाइन कार्ट, यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक, आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लाइटें लगी हुई है। और यहाँ पे ये है डी ए वी बरियातू, और यहाँ पे सब्जियाँ मिल रही हैं। तो मैं अब अपने स्टॉपेज में मिलती हूँ, बाय। तो गाइस आप देख सकते हैं जैसे कि मैं अब पहुँचने ही वाली हूँ अपने डेस्टिनेशन पे, तो आप लोग भी मेरे साथ बने रहे और आप भी रांची का खूबसूरत नज़ारा लाइट्स वगैरह देखते चले मेरे साथ साथ। ये रहा फ्रूट्स की दुकान, अगर आपको फ्रूट्स लेनी हो तो यहाँ पे फ्रेश फ्रेश फ्रूट्स मिलते हैं, आप आके ले सकते हैं। ये रहा चाचा पराठा, यहाँ पे बहुत ही अच्छा और बहुत ही चीप प्राइस में आपको खाने की चीज़ें मिल जाएंगी। गाइस मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुकी हूँ और मैं रोज़ दिन यहीं पे आती हूँ। ये दुकान का नाम है रघु चाय दुकान, मीन्स रघु, हाँ। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, मैं पर डे यहाँ पे एग खाने के लिए आती हूँ क्योंकि भाभी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एग बनाती है, मीन्स बॉयल्ड एग फ्राइड जो होते हैं ना, वो बहुत ही अच्छे से बनाती है। ये जो छोटू दिख रहा है आपको, ये अभी मुझे बनाकर देगा और मैं आपको वीडियो में दिखाऊँगी कि वो कैसे बनाता है, ठीक है? तो मेरे वीडियो पे बने रहे। आप यहाँ का सुंदर नज़ारा देख सकते हैं, वो है हेल्थ पॉइंट हॉस्पिटल, एंड ये रहा रोड जहाँ पे बहुत सारे भीड़ है, सभी लोग काम से आना जाना होते रहता है यहाँ पे। ये है ओम भंडार, यहाँ पे सारी ग्रॉसरी की चीज़ें मिलती है, आप चाहे तो यहाँ आके ले सकते हैं। देख सकते हैं ये बच्चा कितना मेहनत से सभी को चाय पिला रहा है, बहुत ही मेहनती और बहुत ही अच्छा बच्चा है, बिल्कुल ही सीधा है। तो गाइस लाइट आ चुका है और अब मैं दिखाऊंगी कि वो बॉयल्ड एग फ्राइड कैसे बना रहा है। ये शॉप भी मेरे डेली रूटीन में से एक है, मैं यहाँ पे रोज़ ही दिन आती हूँ, कभी कभी चाय पीती हूँ, अदरवाइज़ मैं हर दिन एग खाती हूँ क्योंकि यहाँ के एग मुझे बहुत ही पसंद है बनाने का स्टाइल।
सो आओ, ये बच्चा स्टार्ट कर दिया है एक फ्राइड बनाने का। देखिए ये कैसे बनाता है। आप लोगों भी घर पे ट्राई करिए। अगर आप लोगों को रांची आना हो कभी, तो आप यहाँ पे आके ज़रूर ट्राई करें। तो गाइज आप देख सकते हैं, जैसे कि उसमें अभी वो बाद उस अंडे को डाला उसमें, अब उसे पकने के लिए छोड़ दें। सामने से दिखा रही हूँ, देखिए बच्चा कितना मेहनती है। सभी को एक नज़र में देखते हुए सारे लोगों को चाय दे रहा है। देखिए तो अभी मेरा एग बन रहा है, मेरे लिए तैयार कर रहा है। देखिए अब इसमें प्याज डाला, मिर्च डाली, हरी मिर्च। अब उसे पकने के लिए लाल भैया भाभी यहाँ पे है नहीं, मीन्स जो जिनका दुकान है मैं उनको भैया और भाभी बोलती हूँ। अभी उनके बेटे सारे दुकान संभाल रहे हैं, तो अभी देखिए वो मेरे को बना के देगा। सारा कुछ वो अकेले ही हैंडल कर लेता है। अब इसमें नमक डाल रहा है, अब वो बनकर रेडी हो जाएगा और वो मुझे सर्व करेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं वो प्लेट में निकाल रहा है। देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये दिख रहा है, वो मुझे बनाकर दे दिया। अगर आपको भी ये खाना है तो आप जल्दी से बरियात दुआ के रघु भैया के चाय की दुकान पे आ जाना। मैं खाने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो गाइज मैं खा चुकी हूँ और अब मैं यहाँ से निकल रही हूँ। तो मैं आपको आगे का रास्ता मैं दिखाती हूँ और मैं जा रही हूँ। ओके, सकता है रांची में कितना ज़्यादा भीड़ रहता है, कोई फेस्टिवल्स हो या ना हो, यहाँ पे ऑलमोस्ट हमेशा ही भीड़ रहता है। और एक्चुअली मैं अभी चल रही हूँ, बरियातू का मेन रोड है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे गाड़ी तो चलेंगे ही, क्राउड तो होंगे ही। सो इग्नोर दिस साउंड पे पापो। तो मैं चलिए आप लोगों को दुर्गा मंदिर दिखाती हूँ, जो कि बरियातू की बहुत ही फेमस और बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। तो गाइस आप देख सकते हैं मैं मंदिर के पास पहुंच चुकी हूँ और देखिए कितनी खूबसूरत मंदिर है। आप लोग भी प्रणाम कर लीजिए। देखिए यहाँ पे आरती होगा, अभी तो भजन चल रहे हैं। यहाँ पे हर दिन शाम के 7 बजे आरती होती है। ये दुर्गा माँ का बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, तो आप लोग अगर बरियातू आओगे तो ये प्लेस आना मत भूलना, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा है। गाइस मैं अभी अपने रूम की ओर बढ़ रही हूँ, मैं काफ़ी थक चुकी हूँ ड्यूटी के बाद। तो देख सकते हैं इस मंदिर का नाम है दुर्गा मंदिर। तो चलिए मेरे साथ साथ आप लोग भी रांची बरियातू का सैर कीजिए, सॉरी सैर कीजिए जो भी। ये है फ्रूट दुकान जो कि बहुत ही अच्छा है, आपको फ्रेश फ्रूट मिल जाएंगे यहाँ पे भी। जैसा कि आप देख सकते हैं अंकल अभी जूस निकाल रहे हैं कस्टमर को देने के लिए। तो और यहाँ पे काफ़ी सारा मेडिकल्स आपको मिल जाएंगे। ये है ग्रॉसरी शॉप, यहाँ पे भी सारे आइटम्स मिलते हैं। और दवा दुकान के तो बोलो ही मत, मेडिकल्स तो यहाँ पे इतने ज़्यादा हैं क्योंकि बरियातू मीन्स डॉक्टरों का शहर, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टोर्स है, मेडिकल स्टोर्स है एंड हॉस्पिटल्स तो कहीं नहीं। तो गाइस आप जैसा कि देख सकते हैं कि मैं जा रही हूँ और यहाँ पर बहुत ही सारा मेडिकल एक लाइन्स है, ये लाइन क्योंकि आप जानते हैं कि झारखंड के टॉप मोस्ट हॉस्पिटल रिम्स है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि सारा लाइन से मेडिकल है यहाँ पे। एंड जैसा कि सबको ही जानता है कि झारखंड के सबसे नंबर वन हॉस्पिटल राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो अभी तो अंधेरा हो चुका है, मैं रिम्स के साइड से अभी जा नहीं रही है, मैं रिम्स के पास ही आई हुई हूँ, अभी थोड़ा काम था मुझे, फिर मैं अपने रूम चली जाऊँगी। तो चलिए अब मैं अपनी वीडियो को क्लोज़ कर रही हूँ, रूम पहुँच कर मिलती हूँ क्योंकि काफ़ी अंधेरा है रोड में और गाड़ी के लाइट से कुछ दिख नहीं रहा है। देखिए ये कुल्फ़ी शॉप है, बादाम शेक,
बहुत ही अच्छा है, आप यहाँ पे आके खाइए। तो चलिए मिलते हैं रूम के। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अपने घर की और आ चुकी हूँ, घर वाली गली में घुस चुकी हूँ। सो मैं अपने रूम के साइड पहुँच चुकी हूँ। अब मैं बहुत ही जल्द वीडियो क्लोज करूँगी, पर पहले मैं रूम पहुँच जाती हूँ फिर। तो गाइज, मैं फाइनली घर आ चुकी हूँ और अपने जगह पे बैठ गई जहाँ पे मैं वीडियो शूट करती हूँ। गाइज, मैं काफ़ी थक चुकी हूँ, यू नो, बहुत ही ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है। तो मैं आज का ये ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। एंड मेरे चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। मेरे चैनल पे ऐसे ही बने रहें। तो आज के लिए टेक केयर, बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।